हे मार्शमेलोस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सबको मिडनाइट मूवी एक्सप्लेनेशन के पार्ट वन में काफी डर लगा होगा। आखिर लगेगा कैसे नहीं, दूषिक है ही इतना खतरनाक। दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट वन में देखा था कि जोंगू अपनी बहन को ढूंढ ढूंढ कर परेशान होकर फाइनली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आया था, मगर जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ दूषिक, युमी और युमी की मॉम भी वहीं पर थे। जोंगू पुलिस से उसकी मिसिंग सिस्टर को ढूंढने के लिए मदद मांगता है। जोंगू पुलिस स्टेशन के अंदर दूषिक को भी उसकी सिस्टर की फोटो दिखाता है, मगर वो इसे पहचानने से इनकार कर देता है। युमी उसे फोटो में देखते ही पहचान जाती है। अब जोंगू ये सुनते ही शॉक हो जाता है। वो उसे उसके बारे में कुछ पूछ रहा होता है कि इसी बीच वो बूढ़ा आदमी फिर से पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है और हंगामा करने लगता है, जिसे पुलिस ऑफिसर बाहर निकालने लगते हैं। युमी की मॉम छुपके से उसके बैग में पड़ा सामान देख लेती है, जिसे देखते ही वो बहुत डर जाती है। दूसरी उसे वो खतरनाक हथियार दिखाकर धमकी देता है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो उसकी बेटी को मार डालेगा। इससे पहले कि किसी को पता चले, वो जोंगू के ऊपर वार करने जा ही रहा होता है, मगर बड़ी मुश्किल से युमी की मॉम तेज आवाज करती है। इस आवाज को सुनते ही जोंगू पीछे मुड़ता है और उस किलर के चाकू को पकड़ लेता है। इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और जोंगू बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर था, इसलिए वो इस संगी को उठाकर पटक देता है। वो उसकी गर्दन पे चाकू रख कर अपनी बहन के बारे में उससे पूछता है, मगर इतने में ही पुलिस ऑफिसर अंदर आ जाता है और बिना सिचुएशन को समझे ही दूषी की एक्टिंग के झांसे में आ जाते हैं और जोंगू के ऊपर शॉक गन का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देते हैं। उन्हें अभी भी युमी या उसकी मॉम की साइन लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी और देर रात की वजह से वो संगी दूषी को वहां से जाने देते हैं। अगले सीन में ऑफिसर्स को सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद हकीकत का पता चलता है। इसके बाद जोंगू अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस युमी और उसकी मॉम को घर तक ड्रॉप करती है, मगर अब उन दोनों की जान को खतरा था। दोस्तों, अब दूषिक का अगला टारगेट युमी ही थी। दूषिक को उसका एड्रेस भी याद हो गया था। इसके बाद उनके घर पे उसकी मॉम के साथ काम करने वाले एक लेडी कुछ सामान मांगने वहाँ आती है और उस वक्त युमी की मॉम उसके साथ सामान लेकर बाहर चली जाती है। अब युमी घर पे अकेली थी और तभी दूषिक वहाँ उसके घर के अंदर घुस जाता है और वो पीछे से युमी के ऊपर हमला करता है, मगर उसे ये नहीं पता था कि युमी के घर की लाइट मूवमेंट सेंसिटिव थी, जो समझने में दूषिक को देर नहीं लगती। वो लाइट सिस्टम को ऑफ कर देता है, मगर जब युमी को अलार्म क्लॉक के बजने के बावजूद लाइट्स ब्लिंक नहीं होती दिखती है तो उसे समझ आ जाता है कि खतरा उसके आसपास है। वो जल्दी से जोंगू को टेक्स्ट करके बताती है कि दूषिक उसके घर पे है। ये मैसेज पढ़ते ही जोंगू सीधा युमी के घर की तरफ भागता है। दूषिक युमी के ऊपर उसी कुल्हाड़ी से वार करता है, मगर वो वहाँ से हट जाती है और सीधा अपने कमरे की तरफ भागती है और दरवाजा बंद कर देती है, मगर दूषिक उसके कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। इसके बाद युमी सीधा खिड़की से बाहर छलांग लगाती है, मगर ये खूनी उसके बाल पकड़ कर उसे खींचने की कोशिश करता है। युमी अपने नाखून से खरोच के खुद को बचाती है, मगर वो सीधा नीचे कार्डबोर्ड्स के ढेर पे घिर जाती है। युमी वापस खड़ी होकर वहाँ से भागने लगती है। अब दूषिक किसी भी हालत में युमी को जान से मारना चाहता था, वो उसके पीछे भागता है। रास्ते में जोंगू उन दोनों को देखता है और वो भी दूषिक के पीछे भागता है। कुछ देर भागने के बाद युमी गलत गली में आ जाती है और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता है। अब दूषिक उसे जान से मारने ही वाला था, मगर जोंगू उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाता है। दूषिक जानता था कि वो ताकत में जोंगू का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी गर्दन पे चाकू रख कर उसे धमकी देता है कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी बहन तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम जाकर अपनी बहन को बचाओ। उसके पास अब बहुत कम समय बचा है और इसके साथ मुझे अपना हिसाब बराबर करने दो। अपनी बहन की जान बचाने के लिए उसे दूषिक की बात मानकर अपनी बहन को चुनना पड़ता है। जोंगू युमी को उसी हालत में छोड़कर अपनी बहन
को बचाने के लिए दुशिक से मिली लोकेशन की तरफ भागता है। जब जोंगू उसी लोकेशन पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये लोकेशन उसकी बहन की नहीं बल्कि युमी के घर की थी, यानी दुशिक ने उसे झूठ कहा था और जोंगू ने युमी को भी मुसीबत में अकेला छोड़ दिया था। जोंगू को अपने इस गलती पे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वह बेचारे युमी की मोम उसे हाथ जोड़ कर उससे युमी की जान बचाने के लिए कहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ वो किलर युमी को मारने के लिए उसके नीचे झुकता है, मगर युमी उसकी आंखों में मिट्टी उड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। सचमुच ये लड़की बहुत हिम्मत वाली लड़की है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हो? कमेंट करके मुझे भी बताना कि आपको युमी कैसी लगी। तो दोस्तों, एक बार फिर वो किलर युमी का पीछा करता है और भागते भागते युमी उसकी वैन के पास पहुँचती है, जिसमे से सोजोंग लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती है। सोजोंग की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो दोनों एक अंधेरी गली में छुप जाते हैं। इसके बाद जब दुशिक वैन के अंदर चेक करता है तो सोजोंग वहाँ नहीं थी और ये देखकर वो और भी ज्यादा सनकी बन जाता है। उसने युमी को जितना कमजोर समझा था वो उतनी कमजोर नहीं थी। तभी दुशिक को रोड पे खून की बूंदे दिखती है, जिनका पीछा करते करते वो उसी गली में पहुंच जाता है जिसमें वो दोनों छुपे थे। सोजोंग की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो भाग नहीं सकती थी। यहाँ युमी फोन पे लिखकर उससे अपने भाई को कॉल करने और इस जगह की लोकेशन शेयर करने को कहती है और फैसला करती है कि वो तब तक दुशिक का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। अगले सीन में जोंगू और युमी की मोम उसी डेड एंड पे पहुंचते हैं जहां आखिरी बार जोंगू का सामना दुशिक से हुआ था। दुशिक सोजोंग को पकड़ने ही वाला था, मगर युमी थोड़ी दूर से उसे चाकू दिखाकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। अब दुशिक युमी से इतनी नफरत करता था कि वो सोजोंग की जगह युमी के पीछे भागता है। युमी रोड पे लगे सिक्योरिटी बटन को प्रेस करके भागती है। इसी बीच सोजोंग अपने भाई को फोन करके अपनी लोकेशन शेयर करती है, जिसके बाद वो पुलिस के साथ वहाँ पहुँचता है। युमी भागते भागते शहर की मेन रोड के बीच पहुँचती है, मगर इस सनकी को पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं था। वो बस युमी को खत्म करना चाहता था। जोंगू को अपनी बहन को बुरी तरह घायल देखकर बहुत बुरा लगता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहे सोजोंग उसे युमी की मदद करने के लिए कहती है। पुलिस सोजोंग को ट्रीटमेंट के लिए भेजती है। उनके साथ युमी की मोम भी वही थी, जो कि ये सब सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो सीधा अपनी बेटी को ढूंढने रोड की तरफ जाती है। इधर युमी भागते भागते बहुत थक गई थी। वो आसपास चल रहे लोगों से उसकी मदद करने के लिए कहती है, मगर लोगों को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। दुशिक अजीब से स्माइल के साथ उसके और पास आ जाता है। जब एक भीड़ का आदमी उसे सवाल करता है तो दुशिक उन लोगों से कहता है कि ये मेरी सिस्टर है, उसकी दिमागी हालत थोड़ी कमजोर है इसलिए ये मुझे नहीं पहचान पा रही है। इसके बाद युमी अपने चाकू से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। मौका मिलते ही युमी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर सामने से आ रहे आर्मी ऑफिसर बेचारी युमी की हेल्प करने के बजाय उसके हाथ से चाकू निकालकर उसे अपने भाई के साथ जाने को कहते हैं और वो चाकू भी दुशिक को दे देते हैं। दुशिक नीचे झुककर धीमी आवाज में युमी को उसकी लाइफ के आखिरी मिनट्स बिताने की बात कहकर उसे कहता है कि इनमें से कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। युमी रोते रोते उसे बताती है कि वो इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती, अभी उसे शादी करनी है, घर बसाना है और मोम के साथ जेजू ट्रिप पे भी जाना है। दुशिक चालाकी से उसे अकेली सुनसान गली में ले जाता है और उसे चाकू मारने ही वाला होता है, मगर तभी जोंगू वहाँ आकर उसे बहुत मारता है और उसके गले को चौक कर देता है। वो सनकी दुशिक बेहोश होने की ऐसा एक्टिंग करता है कि जोंगू को लगा था कि वो अब नहीं उठेगा। वो युमी को उसकी बहन के बारे में बताता है और साथ ही उसे कहता है कि उसकी मोम भी उसे ढूंढ रही थी। पर तभी वो सनकी अचानक उठकर उसके सर पर कांच की खिड़की उठाकर मार देता है। इसके बाद जोंगू इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। युमी खुद को बचाने के लिए वो चाकू उठा लेती है। अब दुशिक वहाँ से रोड की तरफ जाने लगता है, मगर बीच रास्ते में उसे युमी की मोम दिखती है। वो उसकी मोम को मारने ही वाला था, मगर युमी हाथ में चाकू लेकर उसकी ओर भाग कर दुशिक का हाथ पकड़ती है। यहाँ हमें लगता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि चाकू किलर को नहीं बल्कि युमी के पेट में लगी थी और उसका खून भी बह रहा था। वो किलर उसकी इस बेवकूफी पे हंस रहा था, मगर वहाँ खड़े भीड़ के सभी लोग उन दोनों को देखकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और सभी दोषी को इसका जिम्मेदार मानते हैं।
अब जाकर उसे समझ आता है कि आखिर युमी ने उसके बजाय खुद को चाकू क्यों मारा। सभी को ये लगता है कि दोषिक ने ही उसे चाकू मारा था और इस बात पे दोषिक को बहुत गुस्सा आता है कि भला एक बेचारी लड़की ने उसे कैसे फंसा दिया। वो युमी को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वहाँ खड़े आर्मी सोल्जर्स उसे गोलियों से छल्ली कर देते हैं और वो मर जाता है। मूवी के लास्ट सीन में युमी, उसकी मॉम जोंगू और उसकी बहन सूजों चारों जेजू आइलैंड के बीच पे आए होते हैं। वो चारों बहुत खुश नजर आते हैं और एक साथ ग्रुप फोटो भी क्लिक करते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल